एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फ्राइडे और छुट्टी है अभी, और अभी हम लोग सुबह उठ के, मैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गई थी, मॉर्निंग वॉक करके आया और सलाद मैंने दिखाया आपको, तो वही मैंने आज लंच किया, मतलब ब्रेकफास्ट किया। और आयुष और हस्बैंड के लिए पोहा बनाई थी, तो वो लोग अपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी हम लोग फिश लेके आए हैं, तो फिश की एक सब्जी बनाऊंगी, तो उसके साथ शेयर करूंगी, वो रेसिपी शेयर करूंगी। और आप सबको बताया था कि मेरे फ्रेंड आ गया है मेरे फ्लैट के बाजू में, मतलब हमारी बिल्डिंग में आ गए हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो अपना घर सेट कर रहे हैं। तो आई होप अब सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी जल्दी से। तो कुछ पेड़ मुझे, वो मतलब प्लांट्स वगैरह, उनके बालकनी में थोड़ा स्पेस कम हो रहा था, तो मुझे वो दे दिया है, तो मेरे बालकनी में है। अभी मैं दिखाऊंगी क्या क्या प्लांट लेके आई हूँ नया, फ्रेंड जो दिया है। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, तो अभी सब कुछ हो गया है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन के बाद आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह था, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही थी। तो धीरे धीरे वो भी चल रहा है प्रोसेस में, मतलब हो गया है लगभग। अपेरा हाउस भी हो गया है, जू भी हो गया है, देन उसके बाद मैं और भी कुछ डालूँगी वीडियोस और फोटोज़, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। जो लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ मेरे प्रोफाइल को जाके देख लीजिएगा, वो सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैंने ये वाला इयररिंग पहना है और ऐसे है को टाई किया है। वाओ, न्यू टॉय, यस, वो वाओ, न्यू कार, सी रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल कार, खराब। वैसे ऐसे की बात करे गुल्लू, आर यू हैप्पी? माय फेवरेट कार इज ग्रेन। आई वांट टू ड्राइव अ ग्रेन व्हेन आई ग्रो बिग, व्हेन आई ग्रो रियल ग्रेन। गुल्लू, हेलो, तो ये देखिए एक टेबल रोज है, इस वाला पेड़ मुझे दिया है मेरे फ्रेंड ने, और ये एक और फ्लावर वाला फ्लावर है, मतलब पता नहीं, और ये एक पेड़ है, ये भी अच्छा वाला फ्लावर निकलेगा, और ये एक पेड़,
इसको उड़िया में क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अपराजिता फ्लावर, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ऐसा है। और इधर भी दो है, ये पिंक वाला है और ये वाइट वाला है, तो ऐसा है मेरा गार्डन। और ये वाला ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये भी एक फ्लावर है, ये अपने आप ही उठा है, इधर मैंने लगाया नहीं है, अच्छा है। और ये जो एलोवेरा है इसको मैं डबल कर दिया है, मतलब अलग अलग पॉट में लगा दिया है, तो अभी ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये रहा फेस, इसको नमक हल्दी लगा के और एक नींबू निचोड़ के इसे मैरिनेट करके रख दिया है। इसको हम मस्टर्ड सीड का पेस्ट बनाएंगे, तो इधर मस्टर्ड सीड 3 चम्मच लिया है और 1 चम्मच लिया है मैं जीरा। तो अभी इसको हम भिगो देंगे 15 मिनट के करीब। तो अभी फिश को थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लेंगे, सैलो फ्राई। देन उसके बाद हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे, जो मस्टर्ड सीड और जीरा लिया था उसमें 6-7 कलियाँ लहसुन को इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। आप रेड चिल्ली, जो ड्राई रेड चिल्ली होता है, वो भी मिला के पेस्ट बना सकते हैं। तो पेस्ट बनाने के बाद मैं इधर 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, देन उसके बाद सूखी मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा पंचफूरन ऐड किया। देन उसके बाद एक टमाटर को बारीक चॉप करके, ओनियन को बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ा सा ही भुनना है। और उसके बाद एक टमाटर को भी मैं इधर अच्छे से डाल के थोड़ा सा नमक डाल के ढक दिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और उसके बाद हम इधर वो जो मस्टर्ड पेस्ट बनाई थी उसको और शामिल कर देना है। तो इसको हम ज़्यादा देर तक भुनेंगे नहीं, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए हम 1 मिनट तक इसको भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इधर हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया है और अभी मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी। वो जो मिक्सचर ग्राइंडर में थोड़ा सा लग गया था मसाला, उसको मैं इधर मिला लूँगी। और जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही हमें पानी डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। देन उसके बाद मैं इधर ड्राई मैंगो होता है तो उसको भी मैं इसमें अभी डाल दूँगी और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक ऐड कर दूँगी। ग्रेवी में तो इधर ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो एक एक करके सारी फिश को इसमें ऐड कर लूँगी और बस हमें 2 या 3 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पका लेना है और उसके बाद हम इसको बंद कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके। तो ये देखिए हमारा फिश करी बनके रेडी हो गया है मस्टर्ड सीड का। गाइस अभी लंच बन गया है और फिश करी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं और मैं बता रही थी ना, तो मेरी फ्रेंड के घर में शिफ्ट हो गए वो लोग, पर कुछ उनके जो सोफे थे
वो सोफे उनके घर में फिट नहीं हो पा रहा था, तो दो सोफे सिंगल बेड का, ये वाला एक और ये वाला एक, उन्होंने हमें दे दिया है। और क्या, अभी कुछ दिन में ब्लॉग नहीं बना रही थी तो मेरा मन नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मैंने सोच रही थी कि कब बनाऊं, अभी बना दिया ना तो अभी अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, तो अभी अच्छा लग रहा है, अभी जैसे आदत सा बन गया है ब्लॉग बनाना, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग, और देखते हैं आगे भी कंटिन्यू है, आप लोग देखिए। था ना मुझे नरम है, मुझे नरम है, मुझे लग रहा है कि रज़र नंद जी सुन रहा है, फ्री है, और मत हल्दी का दूध मत बोला, तो ना कौन है सब ताबड़ किया चेकिंग करो, आओ तो इधर भी चेकिंग करो, पर ठीक है, एक्सीडेंट, कौन? एक्सीडेंट ले ले फॉल डाउन एक्सीडेंट फिक्स एंड मूवेबल बॉल वाला।